नमस्कार दोस्तों, चैलेंज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए प्रकाश डालते हैं आज की कुछ नई ताजा खबरों पर। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस का खतरा, राज्य में एंट्री के लिए वैक्सीन की दोनों डोज या 72 घंटे की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी, दोनों नहीं तो 14 दिन क्वारंटाइन। थप्पड़ खाने वाला कैब ड्राइवर बोला, समझौता नहीं, लड़की को जेल भेज कर रहूंगा। लखनऊ पुलिस पर आरोप लगाते हुए सादत अली ने कहा कि पुलिस लड़की से मिलकर मेरी तरफ से कोई कार्यवाही नहीं कर रही है, वह मेरे केस को कमजोर कर रही है। ऐसे में अगर यही कांड मेरे हाथों हुआ होता तो अब तक मुझे पुलिस जेल भेज चुकी होती। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने दिखाए तेवर, कहा तालिबान के खिलाफ मजबूती से लड़ेंगे। अमेरिकी सैनिकों के अफगानिस्तान छोड़ने के फैसले के बाद तालिबान का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। अफगान के ज्यादातर हिस्सों पर तालिबान ने कब्जा जमा लिया है। पठानकोट हमले पर किताब में दावा, भ्रष्ट पुलिस अफसर थे आतंकियों के मददगार, उन्होंने एयरबेस तक जाने का सुरक्षित रास्ता तलाशा, अंदर घुसने में मदद भी की। डेल्टा वेरिएंट पर बूस्टर वार, अमेरिका में हाई रिस्क मरीजों को लगेगी कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज, फाइजर और मॉडर्ना के टीके को मिलेगी मंजूरी। हवाई यात्रा महंगी, सरकार ने मिनिमम किराए की लिमिट 10% और मैक्सिमम की 13% बढ़ाई, भोपाल से दिल्ली के लिए 4500 से 13000 रुपये देने होंगे। पाकिस्तान के पूर्व सांसद का दावा, तालिबानी लड़ाकों को पाकिस्तान पूरी तरह से कर रहा सपोर्ट, तालिबान के बढ़ते कब्जे से पाक जनरल खुश। इस दिन में काबुल जा सकता है तालिबान, यूएस ने अमेरिका को निकालने के लिए 3000 सैनिक अफगानिस्तान भेजे, कहा यह सिर्फ टेम्परेरी मिशन। मुंबई में नारकोटिक्स टीम पर फायरिंग, तस्करों को पकड़ने गए 5 अफसर घायल, एक गंभीर, 1 करोड़ की ड्रग्स के साथ विदेशी स्मगलर गिरफ्तार। हिमाचल में फिर लैंडस्लाइड, लाहौल स्पीति में पहाड़ के मलबे से चंद्रभागा नदी का बहाव रुका, पास के गांव में बाढ़ के हालात बने। एक दिन में 7 प्रांतों में तालिबानी हुकूमत, अफगानिस्तान सरकार का सरेंडर, 7 दिन में 19 प्रांतों पर तालिबान का कब्जा, राज्यों के गवर्नर समेत कई नेताओं ने तालिबानी शासन स्वीकारा। दिल्ली में बच्ची से गैंगरेप का मामला, आरोपी पहले भी 2 बच्चों के साथ कर चुका है जबरदस्ती, उसका मामा रसूखदार है, धमकी देकर मामला रफा दफा करा देता है। एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक अगले साल से बंद, कप प्लेट समेत एक बार इस्तेमाल हुए प्लास्टिक पर अगले साल से रोक, पॉलीथीन बैग की मोटाई अब 120 माइक्रोन, यह आदेश 1 जुलाई 2022 से लागू होगा। लखनऊ में आपस में टकराई 3 कारें, फन मॉल के पास हुआ हादसा, एक कार को टक्कर मार दूसरी कार से टकराई, 5 लोग घायल, बड़ा हादसा टला। कानपुर में इलाज के अभाव में मरीज की मौत, आयुष्मान कार्ड लेकर इधर उधर भटकता रहा, परिजनों ने इलाज में लगाया लापरवाही का आरोप। सीएम कार्यालय के हस्तक्षेप के बाद एयू का मुशायरा रद्द, शाहीन बाग में मोदी और योगी के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले 2 शायरों को बुलाने पर सोशल मीडिया पर छिड़ गई थी बहस। एटा में 3 महीने की मासूम से रेप, खिलाने के बहाने से ले गया था फिर दुष्कर्म किया, मां की तहरीर पर मुकदमा, आरोपी को पकड़ने के लिए 4 टीमें बनाई गई। घर में मिला मां बेटी का शव, बरेली के फरीदपुर में मां और उसकी 18 वर्षीय बेटी ने जहर खाकर जान दे दी, बेटी का शव नवन अगस्था में मिला। सहारनपुर में प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या, मामूली कहासुनी में प्रेमिका ने मारा थप्पड़ तो शराबी प्रेमी ने चाकू से काट डाली गर्दन, पुलिस ने गिरफ्तार किया। अलीगढ़ में महिला से लूट का प्रयास, ऑटो में बैठकर खरीदारी करने जा रही थी महिला, बदमाशों ने मारपीट पर घायल किया, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। तो ये थी आज की ताज़ा खबरें, और अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपका अपना दोस्त हिमांशु चौहान।